हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में क्या है तो आफ्टरनून में आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। जिस काम से मैं गई थी वो काम बहुत जल्दी हो गया और मैं बहुत जल्दी से वापस आ गई, तो आपके लिए ये रीडिंग भी मैं बहुत जल्दी से पोस्ट कर रही हूँ। सो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दो डेक्स रखे हैं मैंने और इन दोनों डेक से हम देखेंगे आज करेंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे, और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स और देखेंगे सबसे पहले कि इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जी है आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में आपको लेकर, आपके बारे में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जी है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, लव रोमांस प्लानिंग स्ट्रेटजी वॉट एवर सिचुएशंस आर देयर इन हिज और हर लाइफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कमिटमेंट चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, फोर नंबर आया है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। कमिटमेंट को लेकर क्या चल रहा है, क्या देना चाहते हैं कमिटमेंट आपको, बहुत बैलेंस्ड देखकर इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को पसंद कर ले और आगे बढ़ जाएं। क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्या रीज़न है स्ट्रेस का, ज़्यादा स्ट्रेस है या कम स्ट्रेस है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस है या कम स्ट्रेस है। इमोशनल डिसबैलेंस की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून, मून मीन्स इमोशंस। फुल मून करीब आ रहा है, आई थिंक 13 को है फुल मून, 13 की दोपहर या नाइट, मुझे चेक करना होगा। 13 की एनर्जी है, 13 को है, 13 जुलाई। आज कौन सी डेट है, आज 11 है। तो अभी फुल मून की एनर्जी धीरे धीरे असर कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक अलग ही डर इनको खा रहा है, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं मैं ज़्यादा ही देर या ज़्यादा ही एटीट्यूड तो नहीं लगा दिया मैंने इस रिलेशनशिप में। डोर टू रोमांस मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बॉटम से है यिन एंड यांग, तो इनका फेमिनिन साइड आपको देखने मिलेगा, इनका जो फेमिनिन साइड है वो आपको अब देखने मिलेगा। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, चलिए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ गई हैं। अब मैं देखूँगी इस डेक से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो पहले हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा शफल और फिर हम देखेंगे एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में, करेंट एनर्जीज़ दिल दिमाग में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है प्लीज़ गाइड करें। द वर्ल्ड, जजमेंट, किंग ऑफ वांड्स, कैसा जजमेंट, द लवर, आपको लेकर ही जजमेंट होने वाला है गाइस, सतर्क हो जाइए। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, यहाँ पर यिन एंड यांग, यहाँ डोर टू रोमांस, यहाँ द वर्ल्ड, यहाँ पर जजमेंट और यहाँ पर लवर। लवर को लेकर क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कैसा डिसीजन होगा एंजल्स, लवर्स को लेकर कैसा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। भगवान करे अच्छा डिसीजन हो। द हर्मिट एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इनको गिल्ट है,
पछतावा है अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावरफुल डिसीजन होगा। हर्मिट मोड की एनर्जी क्यों आई है? क्या अवेकनिंग से गुजर रहे हैं? क्या इन्हें क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं? द एम्प्रेस, इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वो इनके पैसे से या इनके रुतबे से या इनके ऊपर बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, जो भी है। सफरिंग की एनर्जी क्यों है? क्यों सफ़र कर रहे हैं? आपसे ब्रेकअप करा है या आपसे नो कांटेक्ट में है? स्पाई बहुत कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। बैलेंस आउट करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। सो आज मैंने पूछ के कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था पूछ के कार्ड्स लेने का, तो आज मैंने ऐसी रीडिंग करी है। होप आपको अच्छी लगे। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स ले लिए हैं पूछ के, बट जो भी मैंने बोला है आपने सुन ही लिया होगा, तो मुझे वापस से रिपीट करना ज़रूरी नहीं लग रहा है। ओवर एंड ऑल जो यहाँ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन पॉजिटिव साइड में। आपको लेकर इमोशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको लेकर बहुत बैलेंस हो रहे हैं सिचुएशंस। इनकी जो फैमिनिन साइड है वो एक जजमेंट लेना चाहती है। द वर्ल्ड, जजमेंट, किंग ऑफ वांड्स एंड द लवर्स, ये चारों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन बोल्ड स्टेप लेने की सोच रहे हैं और ब्यूटीफुल स्टेप लेने की सोच रहे हैं। किस तरह का स्टेप, किस तरह का जजमेंट? लवर्स, रीयूनियन का जजमेंट। क्यों रीयूनाइट होना चाहते हैं? क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है और अवेकन भी हो चुके हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से बहुत गाइडेंस मिल रही है, अब ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यहाँ से डोर टू रोमांस की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं। स्टार्ट हुई है रीडिंग की हैप्पी फैमिली से और पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। साथ ही साथ ये फुल मून आप दोनों की रिलेशनशिप को मजबूती देगा, कमज़ोर नहीं बनाएगा, मजबूती देगा। यिन एंड यांग की एनर्जी है, स्पेशली अगर आप सोलमेट का, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन में हैं, तो ये जो फुल मून है ये आपको रीयूनाइट ज़रूर से करेगा, ठीक है? और बातचीत होगी या मैसेजेस आएंगे या टेलीपैथिकली कनेक्ट होंगे, बट होंगे ज़रूर। और अगर आप कार्मिक के साथ भी हैं, तो अगर आप दोनों में ट्रू लव है तो रीयूनियन डेफिनेटली होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जहाँ एक तरफा सब कुछ है, आपकी तरफ से ही सारा एफर्ट है, उसकी तरफ से ज़ीरो है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये है आज की जो कलेक्टिव एनर्जी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो क्या मेरे व्यूवर्स के लिए रीयूनियन की एनर्जी आएगी, मैसेजेस की एनर्जी आएगी? प्लीज़ गाइड करें, होप रखें, बिल्कुल होप है। क्या रीयूनियन होगा, क्या मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूवर्स को? बैलेंस होगी सिचुएशन। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 8, नंबर 9, मतलब ओवर एंड ऑल 8 से 9 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के दिन में। कुछ लोगों के लिए 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों आया है होप का कार्ड, क्या होप रखनी है? सक्सेस की होप रखिए गाइस, एंजल्स ने आपको कहा है सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस की होप रखिए। पॉजिटिव रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जैसा सोचेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। डर भरा एनर्जी है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डरना नहीं चाहिए कभी, फियर की एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या बैलेंस आउट करना चाहते हैं? हर्मिट मोड में है, आपको याद बहुत कर रहे हैं,
पहले इन्होंने आपको अगर ट्रिगर किया है अपनी नेगेटिविटी से, अपनी बुरी बातों से, अपनी बैड हैबिट से, या जिस भी वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो अब ये कुछ प्लान कर रहे हैं, ये न्यू बिगिनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा इनके हार्ट चक्रा में जैसे एक अलग ही वाइब्रेशन इनको फील हो रही होगी कि नहीं अब बस हो गया, अब मेरे से और वेट नहीं करा जाएगा, अब चाहे जो हो मैं तो बात करूंगी या करूंगा, चाहे जैसे भी करूं, ये वाली एनर्जी है। क्यों सैक्रिफाइस का कार्ड आया है? सैक्रिफाइस किस लिए आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपसे बातचीत ना करके इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, ये कहने का मतलब है। प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है? डरते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ट्स, इनसिक्योर हैं, आधे से ज़्यादा लोग कार्मिक में फंसे हैं या इनसिक्योर हैं, इस वजह से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था पास्ट में, या इस वक्त भी हो सकता है आप में से कई लोग सेपरेशन में हो, आपसे बातचीत बंद कर दी हो। क्या अभी भी थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं? ख़त्म हो गई, वाह। इनके शेडो साइड्स पे वर्क हुए हैं, इनके लाइफ में काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इनके लाइफ में मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, मेजर चेंजेस। क्या इंडिपेंडेंट हो गए अब? काफ़ी डाइट फूड खा रहे हैं, काफ़ी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं? क्या खुद का डिसीजन लेंगे, स्टैंड लेंगे? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। क्या सक्सेस मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? क्या सक्सेस मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? यस, बिल्कुल मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कार्ड आ गया है कि कोई रोक ही नहीं सकता सक्सेस को। मदर गाया का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? पेशेंस, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा आपके पर्सन का, इनका फेमिनिन साइड अब आपको देखने मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, इमेज कॉन्शियस थे, सोशल थे, अपनी फैमिली से डरते थे, फियरफुल थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, बहुत ज़्यादा तू तड़ाक या बिल्कुल क्लियर कट बोल देते थे, आपको ट्रिगर कर देते थे, आगे बढ़ जाते थे, इन्हें बिल्कुल इमोशंस नहीं थे इनके अंदर कि आप रो रहे होगे, तड़प रहे होगे, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो ये अब इनकी जो हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स आपको चेंज मिलेगी, ये हैबिट्स आपको चेंज मिलेगी, जिसको जिसको अपने पार्टनर के मैसेज आने के बाद उनके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आएंगे। आप उनको कितना भी कुछ भी बोल दें, अगर वो आपको पलट के उल्टा रिप्लाई नहीं करते हैं, बहुत हल्के में आपको लेते हैं, बहुत प्यार से आपको मनाते हैं, अपॉलोजी भी देते हैं, सॉरी भी बोल देते हैं, तो आप समझ जाना कि उनके अंदर उनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है, उनका फेमिनिन साइड ओपन हो गया है। और ये किसके चमत्कार से है? ये है मदर गाय की एनर्जी, और मदर गाय का पहला मैसेज है यूनिवर्स विद पेशेंस, पेशेंस रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये दो चक्रा पे स्पेशली सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, खिचखिच हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन आपके हार्ट में पेन हो सकता है, हैवीनेस लग सकती है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है अगर आपके पर्सन के ये चक्रास हील हो रहे हैं तो। सो ओवर एंड ऑल ये एनर्जी है, थैंक यू मदर गाया। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन में। मेरा एंजल डेक हमेशा ऊपर से नीचे चला जाता है, गॉड नोज कैसे चला जाता है, पैर तो है नहीं इसके पास, मैं ऊपर रखती हूँ ये नीचे चला जाता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ग्राउंडिंग करें एनर्जीज़ को, अपनी नेगेटिविटीज़ को छुपाएं नहीं, रिलीज़ करें। वार्निंग मैसेज है उनके लिए, अगर आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस है, अगर आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा जेलेसी है किसी को लेकर, अगर आपके अंदर अभी भी डिज़ायर है किसी चीज़ का, अगर आपके अंदर अभी भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड है, एटीट्यूड है, ईगो है, कुछ भी है, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं, लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, रिलीज़ करिए।
तुरंत रिलीज़ करिए अगर आप अपना रीयूनियन चाहते हैं तो, वरना आपका रीयूनियन बहुत सालों डिले हो जाएगा। ये मेरी वार्निंग मैसेज है। यहाँ पर जो आया है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको सिक्योरिटी दे रही है, डिवाइन आपको ग्राउंडिंग करा रही है, आपके पार्टनर को भी ग्राउंडिंग करा रही है। बट अगर आप खुद अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि उन नेगेटिविटीज़ के साथ ही आप आगे बढ़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिवाइन आपको जितनी प्रोटेक्शन दे रही है उसके बाद आपको खुद को क्लियर आउट करना है। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिवाइन से अलाइनमेंट में रहिए, सच्चे दिल से अलाइनमेंट में रहिए। जिसको भी आपने माना है उसकी सच्चे दिल से अलाइनमेंट में उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपकी सिक्योरिटी की जा रही है। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक होगा, कोई नेगेटिव ड्रीम्स आएंगे, कोई मैट्रिक्स की एनर्जी अगर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी, चाहे वो कोई रिलेटिव्स हो, जागृत फॉर्म में हो या इनविजिबल फॉर्म में हो, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप में से कई लोग बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, चाहे वो कितने भी रिच हों, कितने भी पहले ईगोइस्टिक रहे हों, कितने भी पहले स्टबर्न रहे हों, बट उन्होंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है। बट कुछ लोग दिखा रहे हैं कि वो अवेकन हैं, दिखा रहे हैं कि वो बदलाव लेकर आ रहे हैं, बट एक्चुअली में उनके अंदर में अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो अवेयर हो जाएं। पैशन की एनर्जी है आज के रीडिंग में। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक मैसेजेस आपको भेजने वाले हैं। जिन्हें भी अपने पर्सन की तरफ से बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपको मैसेजेस रिसीव हुए हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।